रोजगार भारती के सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में निःशुल्क फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाया जाएगा जो कि 3 माह का होगा। इस प्रशिक्षण के बाद आगरा की गारमेंट फैक्ट्रियों में इन प्रशिक्षणार्थियों को 3 से 4 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिलवाए जाने का काम किया जाएगा। वहीं इन सबके बाद इन प्रशिक्षणार्थियों का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर रोजगार दिलवाया जाएगा। रोजगार भारती के विभाग संयोजक नितिल बहल ने बताया कि वर्तमान में चल रहे रोजगार भारती के कार्य जैसे परिवार आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वरोजगार करने के लिए निशुल्क दिए गए 101 उपकरण जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स, साइकिल पर चाय, साइकिल पर गोलगप्पे, साइकिल पर छोले कुलचे, बर्नर की ठेल पर फास्ट फूड, नारियल पानी, जूस, सिकंजी इत्यादि का रोजगार कर रहे हैं। कंप्यूटर अकाउंटिंग व ऑफिस असिस्टेंट के 4 बैच पूरा करवाकर लगभग 80 युवाओं को नौकरी दिलवाई गई है। आज का जो कार्यक्रम था वो रोजगार भारती का कौशल विकास मिशन चल रहा है, उसके अंतर्गत हमारा ये दूसरा प्रशिक्षण केंद्र शुरू हुआ है जो फैशन डिजाइनिंग है, सिलाई कढ़ाई का। उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पर बहनों को प्रशिक्षण देंगे सिलाई कढ़ाई का, जिसमें फैशन डिजाइनिंग है, और वो 3 महीने का ये प्रशिक्षण है। 3 महीने हमारे यहाँ सीखने के बाद वो बहन को हम लोग आगरा के गारमेंट एसोसिएशन की जो आगरा में यूनिट्स चल रही हैं उनसे हमारा संपर्क हुआ है। उसमें से कई यूनिट्स ने हमसे कहा है कि वो हमको वो 3 सब बहनों को अपने यहाँ पे रोज़गार देने के लिए जॉब पे रखेंगे, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, 3 से 4 महीने का वहाँ व्यवहारिक प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा, और उसके बाद यदि वो बहन वहाँ पे जॉब करना चाहती है तो उनको वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। अदरवाइज़ हम लोग उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके और उनको लेडीज़ कुर्ती, लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ सूट्स, इस टाइप का काम हम लोग उनको प्रोवाइड करवाया करेंगे। रोजगार भारती ट्रस्ट के महामंत्री प्रमोद चौहान ने रोजगार भारती के द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया है और आगामी प्रशिक्षण केंद्र जैसे इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, नाई, फैब्रिकेटिंग इत्यादि खोलने का रोजगार भारती संकल्प का दोहराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर हरीश रौतेला ने बताया कि ढाका की मलमल पूरे विश्व में विख्यात थी। फैशन डिज़ाइन में डिज़ाइन शब्द डिवाइन शब्द से निकला है। परिधान का अपना महत्व है, परिधान व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताता है। देखिए, ऐसा है, देश में बेरोजगारी की जो समस्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों की मैकाले पद्धति के तहत हम लोगों की शिक्षा नीतियाँ जो रही हैं उसमें बी ए बी एस सी बी कॉम करके बिना टेक्निकल एजुकेशन के हम लोग लगातार लिटरेचर पढ़ते चले जा रहे थे। उस सब चीज़ों को रोज़गार भारती के वरिष्ठ लोगों ने पूरा ध्यान दिया, उसमें देखा तो अब ये देखा गया कि छोटे छोटे स्वरोजगार हमारे देश में पहले हुआ करते थे अंग्रेज़ों के आने से पूर्व, उनको हम लोग त्याग कर सिर्फ और सिर्फ नौकरियों की तरफ दौड़ रहे हैं। तो हम लोग नौकरियों की तरफ न दौड़ के थोड़ा पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे लोगों को भी प्रशिक्षित करके इस प्रकार से प्रशिक्षण देना चाहते हैं कि वो समाज में अपने व्यवहारिक ज्ञान और प्रशिक्षण के बूते पर स्वयं स्वावलंबी बन सकें। उसके तहत ये एक मिशन के तहत जो है हम लोगों ने ये रोजगार भारती की उपाध्यक्ष डॉक्टर रेणुका डंग के अनुसार फैशन आज के समय की मांग है। दिल्ली की ऋतु कुमार, मनीष मल्होत्रा जैसे फैशन डिजाइनरों ने भारतीय फैशन को विश्व में विख्यात कर दिया है। रोजगार भारती के अध्यक्ष किशोर खन्ना ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रशिक्षणार्थियों को प्राधिक्षण किट का भी वितरण किया गया। 18 प्रशिक्षणार्थियों का काउंसलिंग के माध्यम से चयन किया गया है। कार्यक्रम में सोमेश गौतम महानगर संयोजक, राजवीर सिंह, सचिन महानगर प्रचारक, विवेक मिश्रा, जितेंद्र फौजदार व राहुल आर्य युवा मोर्चा इत्यादि उपस्थित रहे।